फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी, आफ्टर विच 10 सेकेंड के बाद फोर्स सीजिस, लगानी बंद हो गई। तो 10 सेकेंड के लिए लगी बस फोर्स, एंड बॉडी उसके बाद 50 मीटर डिस्टेंस कवर करती है इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, ठीक, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, और फोर्स कितनी देर के लिए लगाई, 10 सेकंड के लिए लगाई, इसका मास क्या है, 10 केजी, बस 10 सेकंड। उसके बाद फोर्स लगानी बंद कर दी, फिर बॉडी वो कह रहे 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितनी देर में, इन टाइम टेकन कितना, चेक करो, 5 सेकंड, यही है। अब मुझे एक चीज पता है कि अगर ये रेस्ट से भी चलती है और फोर्स लगती है 10 सेकंड में, ये क्या एक्वायर करेगी, कोई वेलोसिटी, वी, इसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी। उसके बाद तो फोर्स लगनी बंद हो गई, फोर्स लगनी बंद हुई तो वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू विल रिमेन सेम, वी 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 एंड वी, राइट, ऐसे ही है। तो वेलोसिटी यहां से वी रहेगी। अब इस दौरान वेलोसिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट में आप इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी, तो एस क्या है इसमें, 50, वी क्या है इसमें, वी, और टाइम क्या है, 5, तो वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि यहां पर वेलोसिटी क्या आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। आपको बताने आपने कितनी फोर्स लगाई, फोर्स होती क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो इस जर्नी के लिए u इज इक्वल टू 0 अप्लाई करो, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v कितना है, 10, u कितना है, 0, a कितना है, निकालना है, t कितना है, 10, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, m इनटू a, मास की वैल्यू कितनी है, 10, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है इसमें, 1, आंसर 10 न्यूटन इज द आंसर। कोई डाउट इसमें सर, इसमें आपने वेलोसिटी कांस्टेंट की प्लेस में ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे ही कुछ ut plus half ut square u 0 और t 5 और वहां से a निकाले, तो ऐसे रुको, जब तक फोर्स लग रही है तब तक एक्सेलरेशन है, फोर्स लगनी बंद हो गई, f 0 हो गया, a 0 हो गया, a 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो आप पूरी जर्नी में s is ut plus half ut square नहीं लगा सकते, यहां तो बिल्कुल ही लगा सकते, क्योंकि यहां पर फोर्स लगनी बंद हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गई, बॉडी तो रुकेगी नहीं, फ्रिक्शन थोड़ी ना यहां पे, तो कम से कम 10 के साथ तो मूव करेगी, कांस्टेंट के साथ मूव करेगी। क्लियर है यहां तक? यस सर। दो पार्ट ऑफ जर्नी है, एक में एक्सेलरेशन है, एक में एक्सेलरेशन नहीं है। तो पहला स्टेप क्लियर है, ओके सर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, देखो रिटार्डिंग मतलब रोकने की फोर्स, 20 केजी ब्लॉक पे लगी जो इनिशियली किस स्पीड पे मूव कर रहा है, 15। तो क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक, तो क्या निकालना है, टाइम टू स्टॉप। अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है, देखो जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो एक्सेलरेशन जनरेट करती है, पॉजिटिव स्पीड बढ़ाती है, रिटार्डिंग फोर्स स्पीड को कम करती है, तो रिटार्डेशन से स्पीड कम होती है। तो अगर मैं इसमें फोर्स की जगह अप्लाई करूं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितनी है, 50, रादर रिटार्डिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव होती है, तो माइनस 50 का मतलब वो एक बॉडी को रोक रही है। मास कितने है बॉडी का, 20, एक्सेलरेशन कितनी है, a, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि स्पीड स्लो हो रही है 15 से, स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0, स्पीड स्लो हो रही है, रिटार्डेशन है, ए नेगेटिव होगा। तो जब भी क्वेश्चन में रिटार्डिंग फोर्स आएगा, एफ नेगेटिव होगा, तो ए भी नेगेटिव होगा, राइट, क्लियर है। तो ए नेगेटिव आ गया इसमें, तो आपको बताना है कि ये फोर्स है एक्चुअली, तो कितनी देर में बॉडी रुकेगी, v इज इक्वल टू u प्लस at अप्लाई कर दो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है क्वेश्चन में, 15, एक्सेलरेशन की जगह -2.5 * t, टाइम निकाल लेना आंसर, समझ में आ रहा है यहां तक? तो फोर्स सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने के काम आ रही है, बाकी फीलिंग आ रही है कि काइनेमेटिक्स चल रहा है, उस काइनेमेटिक्स में ए भी गिवन होता था, इसमें ए निकालना पड़ेगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है
कॉन्स्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस स्पीड फ्रॉम 2 to 3.5। स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। एक्सेलेरेशन है कि रिटार्डेशन है? एक्सेलेरेशन है। तो कितनी एक्सेलेरेशन है निकाल सकते हो। ये क्या गिवन है? u। ये क्या गिवन है? v। ये क्या गिवन है? t। अप्लाई करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सॉल्व करके क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन आ गई आपको। अब क्या करना है इसमें? आपको निकालना है इसमें कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, क्योंकि वेलोसिटी मान लो बढ़ रही है तो हमने फोर्स भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ ही लगाई है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट फोर्स लगा दूंगा तो बॉडी रुक जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी, पर यहां पर स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने का मतलब फोर्स बॉडी के डायरेक्शन के साथ है। तो क्वेश्चन है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है? देखो फोर्स होगी क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाएगी। ठीक, मेथड क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बॉडी 5 केजी की है और 8 और 6 न्यूटन फोर्सेस के ऊपर एक्ट कर रही है। क्वेश्चन है कि एक बॉडी जो है उसके ऊपर, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक की वैल्यू है 8 न्यूटन, एक की वैल्यू है 6 न्यूटन। अब क्वेश्चन में ना ये मेंशन नहीं है कि ये 8 है या ये 6 है। आप उल्टा भी कर सकते हो, 6 और 8 भी ले सकते हो। दो आंसर आएंगे इसके। मैंने 8 और 6 ले लिया। कह रहे नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स में क्या करेंगे? वेक्टर सम। तो आंसर क्या आएगा बोलो? अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्या आएगा? 10 न्यूटन, राइट? और डायरेक्शन निकालने के लिए सपोज ये एंगल क्या है? थीटा। तो टेन ऑफ थीटा क्या आएगा? टेन थीटा इक्वल टू क्या? ये अगर 6 है तो ये भी 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 4। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर टेन थीटा 3 बाई 4 है तो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो मैंने आपको सिखाया था कि कॉस थीटा अगर 4 बाई 5 है तो स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? 30। तो यानी कि अगर ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें कॉस थीटा 4 बाई 5 हो तो साइन थीटा अगर मान लो 3 बाई 5 हो या टैन थीटा 3 बाई 4 हो तो गारंटेड एंगल क्या होगा? 37 डिग्री। इसलिए आंसर 37 डिग्री आएगा। याद कर रहे हैं 37 डिग्री? क्लियर है यहां तक? डाउट इसमें? ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी। क्वेश्चन नंबर 5,
देखो क्वेश्चन है, बॉडी जिसका मास एम गिवन है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ वी गिवन है, यानी कि वी नहीं यू गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी यू गिवन है, स्टॉप्ड का मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, बॉडी की स्पीड स्लो हो रही है कि फास्ट हो रही है? स्लो हो रही है ना, तो फोर्स रिटार्डिंग होगी ना। रिटार्डिंग फोर्स के लिए एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, फोर्स कितने गिवन है? माइनस 0.6 रिटार्डिंग है। मास कितना गिवन है? 0.25। और यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगी? रिटार्डेशन आएगी, जो भी आएगी। एक क्या निकालना है इसमें आपको? इसमें निकालना है टाइम टू स्टॉप। तो आप एक अप्लाई करें v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये पता है, ये पता है, और टाइम निकालना है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। फिर आपको इसमें क्या निकालना है? इम्पल्स। देखो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इन टू फोर्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? माइनस 0.6। और टाइम हम निकाल लेंगे, टाइम आ क्या रहा है वैसे? 5। ओके, टाइम यहाँ से 5 आ रहा है, तो 5। इम्पल्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव इम्पल्स ये शो करता है कि वेलोसिटी कम हो रही है, पॉजिटिव इम्पल्स ये शो करता है वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इम्पल्स का ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव पुट करना है। दोनों आंसर होंगे ऑब्जेक्टिव में, स्पीड स्लो हो रही है तो नेगेटिव ऑप्शन, और अगर फास्ट हो रही है तो पॉजिटिव ऑप्शन। ध्यान से राइट, हैमर वाला क्वेश्चन। देखो एक हैमर है जिसका वेट क्या है? 1 kg है, ध्यान आगे। तो एक हैमर है जिसका वेट 1 kg है और स्पीड 10 m/s है, नेल के ऊपर हिट करता है। ये देखो, ये नेल है, ये हैमर है, 10 नेल चलती है विद 10 और नेल अंदर घुस जाती है, तो नेल की फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो नेल की बात करें तो 10 से जीरो, स्पीड स्लो हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है नेल की, राइट। तो नेल के लिए अगर हम बात करें तो नेल के लिए स्पीड इनिशियल क्या है? 0 और 10, और फाइनली क्या है? 0, और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड क्या है? 0.10 m, ऐसा आ गया। नेक्स्ट है एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। तो अप्लाई कर लो, v² - u² = 2as, अप्लाई करो, गिवन गिवन गिवन, तो a आ जाएगा, कितना आ रहा है? माइनस 500 आ रहा है क्या? इतना ही आ रहा है क्या? माइनस 500 नहीं, मुझे आंसर याद है, मुझे पता है दूसरे बैच में 500 बोला था, 500 ही है, मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। चलो जो भी है, ए आ गया, रिटार्डेशन आएगी, स्लो डाउन हो रहा है। टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द इंपैक्ट, टाइम के लिए अप्लाई कर लो, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सॉल्व करके क्या आ जाएगा? टाइम भी आ जाएगा। एक और पार्ट आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है? इम्पल्स। अब इम्पल्स मेंशन नहीं है किसका निकालना है, मास गिवन है, हैमर तो हैमर का ही निकालना होगा। तो हैमर का, हैमर के लिए क्या करेंगे इसमें? मास कितना गिवन है? 1 kg, ठीक है, और एक्सेलेरेशन हम निकाल चुके हैं, हैमर की और नेल की बराबरी तो होगी, तो साथ ही चल रहे हैं दोनों, नेल का तो मास लेना नहीं है। तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू टाइम। टाइम निकाल चुके, एक्सेलेरेशन निकाल चुके, मास गिवन है, आंसर नेगेटिव आएगा, बिकॉज ए इसमें नेगेटिव है। इंपल्स नेगेटिव का मतलब स्पीड नेल की क्या हो रही है? स्लो हो रही है, राइट, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। यहां तक होमवर्क है, 7th 8th होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9। वन थाउजेंड के जी की कार है और वेलोसिटी कितनी है? 10 m/s है। फॉरवर्ड फोर्स, आगे की फोर्स कितनी है? 1000 N है इंजन की वजह से। और रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स का मतलब अपोजिंग फोर्स कितनी है? 500 N है। 1000 N की फोर्स चला रही है, 500 स्टॉप कर रही है, दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही हैं जब इसकी वेलोसिटी 10 है। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर
10 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और ये क्या गिवन है, इनिशियल, और कितनी देर के बाद, टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद एक काम करते हैं, अप्लाई करते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी पता है यू पता है, अगर मैं ए बता दूं तो टी आ जाएगा। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, इस बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रही है, एक बड़ी और एक छोटी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या होगी, बड़ी में से छोटी माइनस, तो नेट फोर्स क्या होगी, 1000 माइनस 500 इज मास इनटू एक्सेलरेशन, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन से ए आएगा, ए की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, राइट। स्ट्रीम ऑफ वाटर के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, अगर आपको याद हो मैंने दो क्वेश्चन करवाए थे, एक पाइप में से पानी निकल रहा है और एक बैलून में से गैस निकल रही है, दोनों क्वेश्चन ये 10 और 11। तो इस क्वेश्चन में गिवन है स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 15, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, हिट्स अ वॉल, तो आपको ये बताना है कि फोर्स कितनी लगेगी दीवार के ऊपर। आपको मैंने ये बताया था कि अगर मान लो इस तरीके से ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है ए, आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है वी, और लिक्विड की डेंसिटी है मान लो रो, पानी है तो रो, तो सामने एक दीवार है, दीवार के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, कैसे सिखाया था, फोर्स होती है डी पी बाई डी टी, शीट में किया हुआ है, डी बाई डी टी ऑफ पी की जगह मास इंटू वेलोसिटी, लिक्विड और गैसेस में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है और मास चेंज होता है ऐसे, तो वेलोसिटी मास का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको ये भी बताया था, मास का मतलब लिख लो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन टाइम, और एक नोटबुक फॉर्मूला में लिखवाया था वॉल्यूम बाय टाइम क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, याद है, सेम रिजल्ट करवाया था, चेक कर लेना अपनी हैंड रिटन शीट, एरिया इनटू वेलोसिटी बताया था, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। तो इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी पता है, एरिया पता है, वेलोसिटी पता है, डेंसिटी नहीं पता, क्योंकि ये पानी है, पानी की डेंसिटी कभी नहीं गिवन होगी फिजिक्स में, बाय डिफॉल्ट इसको क्या लेना है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क लिखना है इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक, वो डाउट इसमें, और एक और होमवर्क लिखना है इसमें, ये जो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बैलून वाला, ये हमने किया है बैलून वाला क्वेश्चन, सेम है, आप अपनी हैंड रिटन शीट को नोट करना, हवा निकल रही है और बैलून ऊपर जा रहा है, सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है जो भी किया था, और ये वाला मशीन गन वाला डिस्क वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम है, ठीक। तो ये आपने होमवर्क करना है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम पूछना है, होमवर्क नोट करो अपना, और जो आपने सबमिट करना है इस बार, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 13, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 13 आपका होमवर्क है, आपको ऑब्जेक्टिव शीट का सेट मिला है ना आज, कितनी शीट्स हैं उसमें, 13 है, 14 है, 15 है, 16 भी है, 4 है, चारों की चारों आपका होमवर्क है, तो ये सारी आपने कॉपी में सबमिट करनी है, लिख के कॉपी सबमिट होनी है, मैं बता रहा हूँ आपको होमवर्क के, फिर वही गड़बड़ हो जाएगी आपको, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज गड़बड़ होगी प्लीज़, तो इसमें आप लूज नहीं रह सकते, कैलकुलस की तरह सेम है, तो प्लीज अगली बार सारे क्वेश्चन ट्राई करके आना, एक एक क्वेश्चन डिस्कस होगा, सारे एक 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 डिस्कशन होगा, अगला लेक्चर फोर्थ के ऊपर ही है।